दोस्तों, हमारा भारत इतिहास रचने जा रहा है। हमारे भारतीय वैज्ञानिक एक कृत्रिम सूरज बना रहे हैं, जिसके आगे चाइना का भी सूरज फीका पड़ जाएगा। इसलिए चाइना के वैज्ञानिकों की बोलती बंद हो गई है। चाइना पूरी तरह से घबराया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा जो सूर्य बनाया जा रहा है, ये इतना पावरफुल होगा कि चीन के सूरज को जलाकर राख कर सकता है। चीन कृत्रिम सूरज बनाकर काफी उछल रहा था। उसे ये अंदाजा नहीं था कि भारतीय वैज्ञानिकों में कितना दम है, और हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने चीन को करारा जवाब दिया है। दोस्तों, चीन कृत्रिम सूरज बनाकर अंतरिक्ष की दुनिया में अपना दबदबा बना रहा था, लेकिन हमारे भारतीय वैज्ञानिक उसके इस अरमानों को फेल कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, अभी सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। इस खबर के आने के बाद हर जगह तहलका मच गया है। हमारे भारतीय वैज्ञानिकों की प्रशंसा हर जगह हो रही है। और दोस्तों, हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के इस कामयाबी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीना खुशी से चौड़ा हो गया है। वो भारतीय वैज्ञानिकों पर काफी खुश हैं। दोस्तों, इस कामयाबी से अमेरिका भी काफी खुश है, लेकिन पाकिस्तान को जलन हो रही है। दोस्तों, हमारा भारत अंतरिक्ष की दुनिया में जितना ज्यादा तरक्की करेगा, उतना ज्यादा दबदबा दुश्मन देश पर बना रहेगा। इसलिए हमारे भारतीय वैज्ञानिक कड़ी मेहनत कर रहे हैं और हमारे भारत को सुपर पावर बनाने में लग गए हैं। तो दोस्तों, हमारे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया ये कृत्रिम सूरज कैसा होगा, ये कितना पावरफुल होगा, ये कहां बनाया जा रहा है और कौन कौन मिलकर ये बना रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है। आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, अब वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया भारत की सारों पर नाचेगी, क्योंकि दोस्तों हमारे भारतीय वैज्ञानिक कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने पहली बार चांद पर चंद्रयान 1 को भेजा था। चंद्रयान 1 ही चांद पर पानी की खोज की थी। उसके बाद भारतीय वैज्ञानिकों की प्रशंसा हर जगह हो रही थी। नासा भी काफी खुश था। उसके बाद हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 को चांद के जमीन पर उतारने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा चंद्रयान 2 फेल हो गया था। लेकिन दोस्तों, हमारे भारतीय वैज्ञानिक अभी भी चंद्रयान 2 को फेल नहीं मानते हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 द्वारा भेजा गया ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है और भारतीय वैज्ञानिकों के पास चांद के जमीन की हर जानकारी भेज रहा है। चंद्रयान 2 ने ही बताया था कि चांद के जमीन पर हीलियम 3 भरा हुआ है, जो कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। अगर किसी देश के पास हीलियम 3 आ जाए तो वो देश सुपर पावर बन सकता है। उस देश में बिजली की किल्लत कभी पड़ेगी ही नहीं। हीलियम 3 के मदद से ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा सकते हैं जो पल भर में किसी देश को बर्बाद कर सकता है। अब हमारा भारत जल्द ही चंद्रयान 3 को भी लॉन्च करने वाला है। बताया जा रहा है कि अगस्त महीने में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, जब चांद के जमीन पर हमारा चंद्रयान 3 लैंड करेगा तो इतिहास रचने वाली बात होगी। चांद के जमीन पर क्या क्या छिपा हुआ है, ये बहुत जल्द हमारे भारत को पता लगने वाला है। दोस्तों, जैसा कि बताया जा रहा है कि चांद के जमीन पर बेशकीमती खजाना छिपा हुआ है, उसका जल्द पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी तरक्की हमारा भारत लगातार कर रहा है और अभी अभी ये तरक्की और करने जा रहा है, जो कि इतिहास रचने वाली बात है। दोस्तों, आपको बता दें, टेक्नोलॉजी जिस गति से तरक्की कर रही है वो वाकई चमत्कार प्रतीत होता है। कुछ महीने पहले चाइना ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया था। दरअसल चाइना ने पिछले दिनों ही एक कृत्रिम सूर्य बनाया है। चीन का दावा है कि ये सूर्य असली सूर्य के मुकाबले 5 गुना गर्म है और असली सूर्य की तरह ही रोशनी दे सकता है। वहीं इससे एक कदम आगे बढ़कर हमारा भारत कृत्रिम सूर्य बनाने की तैयारी में लग गया है। इसमें फ्रांस भी मदद कर रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फ्रांस के लिए भारतीय वैज्ञानिक भी काम कर रहे हैं। आपको बता दें, फ्रांस के इस कृत्रिम सूरज को बनाने में जितना फ्रांस के वैज्ञानिक अपना योगदान दे रहे हैं, उतना ही भारत के साइंटिस्ट भी इसमें अहम योगदान निभा रहे हैं। बता दें, इस कृत्रिम सूर्य को बनाने की प्रक्रिया फ्रांस के दक्षिण के पहाड़ी इलाके में चल रही है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में दुनिया भर के 35 देशों से वैज्ञानिक फ्रांस के कृत्रिम सूरज को बनाने में लगे हुए हैं। वहीं भारत से भी कई वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वैज्ञानिक
इस कृत्रिम सूरज को इतना ताकतवर बनाने वाले हैं कि इससे 8 टन तेल के बराबर ऊर्जा उत्पन्न हो सके। कहीं न कहीं इस सूरज को बनाने के साथ ही न्यूक्लियर फ्यूजन पर भी बादशाहत बनाने की प्रक्रिया फ्रांस कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ भारत भी लगा हुआ है। वाकई ऊर्जा का हमारी और आपकी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण योगदान है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमारी जिंदगी से लेकर और अंतिम पड़ाव तक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा ही जीवन है ये कथन किसने दिया ये भी आपको बता देते हैं। इस कथन को इस प्रोजेक्ट पर 7 साल तक काम करने वाले इस परियोजना के महानिदेशक बर्नार्ड बिगॉट अपने निधन से कुछ दिन पहले दिया था। बता दें इनका निधन इसी साल 14 मई को हुआ था। ये तो देखने वाली बात होगी कि ये कब बनकर तैयार होता है, लेकिन बताया जा रहा है कि दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर ये आएगा। वाकई अगर फ्रांस ऐसा कारनामा करता है तो ये भी एक इतिहास बन जाएगा, साथ ही साथ हमारे भारतीय वैज्ञानिकों की भी प्रशंसा होगी। इससे हमारे भारत को भी काफी मदद मिलेगी, हमारा भारत भी काफी ताकतवर बन सकता है। इसी सब को लेकर चीन में खलबली मच गई है। पाकिस्तान तो पूरी तरह से बेहोश ही हो गया है क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता है, दूसरों की कामयाबी उसे देखी नहीं जाती है, इसीलिए चीन और पाकिस्तान को जलन हो रही है। कभी चीन खुद को पावरफुल समझता था कि हम ही ऐसे हैं जो कृत्रिम सूरज बना पाए हैं, कोई देश नहीं बना पाएगा, हमारा दुनिया पर दबदबा बना रहेगा, लेकिन चीन की ये सोच नाकाम हो गई है। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारतीय वैज्ञानिक और फ्रांस के वैज्ञानिक उसे मुंह तोड़ जवाब दिए हैं, जब ये सूरज बन जाएगा तो इतिहास रचने वाली बात होगी। तो दोस्तों हमारे भारतीय वैज्ञानिकों पर आपको गर्व होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो पर ज्यादा लाइक आना चाहिए। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।